हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सोजा मंचूरियम। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू। तो यहाँ पे लिए मैंने 150 ग्राम सोयाबीन और आधे घंटे के लिए पानी डाल के इनको भिगो देंगे हम। हमारा आधा घंटा हो गया है और सोयाबीन हमारी अच्छे से भीग गई है इस तरीके से, ये देखिए। अब इनको पानी से बाहर निकालेंगे हम। अब इनको हल्का सा निचोड़ लेंगे हम, ज्यादा नहीं पानी निकालना है इनका, हल्का ही निकालना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे सारी बड़ियों को निचोड़ लिया है। अब डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे लिए मैंने 2 चुटकी हल्दी और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची और अब डालेंगे इसमें काली मिर्ची 1 छोटी चम्मच और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच दही और इसके साथ ये कॉर्नफ्लावर 1.5 चम्मच बड़ी। और यहाँ पे लिए मैंने आधी कटोरी मैदा और अच्छे से मिला लेंगे। दही हमें कम लग रहा है, अब इसमें 2 चम्मच और दही बढ़ा लेते हैं हम, ताकि के थोड़ा खट्टा लगेगा। और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको ढक देते हैं। मैंने चढ़ा दी गैस पर कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। तो कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, अब डालेंगे इसमें तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए, ढक्कन को हटाएंगे। अब तो सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, अब इनको करेंगे फ्राई। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे सोयाबीन। इसी तरीके से हम सारे डाल लेंगे। बड़ी डाल दी, अब इनको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे गोल्डन होने तक। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया, अब इनको निकालेंगे प्लेट में। और बाकी की बची हुई कर लेंगे हम इसी तरीके से। बची हुई मैंने बढ़िया सारी इसमें तलने के लिए डाल दी है, अब इनको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी सोयाबीन तल ली है, अब इनका बनाएंगे मंचूरियन का मसाला। तो मसाला बनाने के लिए हमने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, अब डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब डालेंगे इसमें लहसुन की कलियां 7 से 8। तो लहसुन को देख लेंगे हल्का कटा हुआ लहसुन। लहसुन हमारा हल्का छिक गया, अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को भी हल्का से सेकेंगे। अब डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, पत्ता गोभी कटी हुई बारीक बारीक। यहाँ पे लिए 2 हरी मिर्च कटी हुई बारीक बारीक और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हल्का, ज्यादा नहीं करना है। वेजिटेबल हल्के हमारे गल गए अच्छे से, अब डालेंगे इसमें नमक। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि हमें बाकी के नमक अभी और डालने हैं। और यहाँ पे लिया मैंने चाइनीज नमक और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी, लाल मिर्ची 1/2 छोटी चम्मच और यहाँ पे लिए चिली फ्लेक्स मैंने और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने अच्छे से चिली फ्लेक्स मिक्स कर लिए, अब डालेंगे इसमें सोयाबीन और सोयाबीन को अच्छे से मिक्स करेंगे। सोयाबीन हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब डालेंगे इसमें
सोया सॉस, इसी के साथ डालेंगे यहाँ पे टमाटर केचप, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर सॉस और सोया सॉस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको धीमी गैस पे तक के रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी जले नहीं नीचे से। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटाएंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारी अच्छे से परफेक्ट बनके तैयार है। अब डालेंगे इसमें दही 1 चम्मच बड़ी, तो दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, सोयाबीन मंचूरियन बनके तैयार। अगर सोया मंचूरियन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि सोयाबीन मंचूरियन कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।